हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आदिवासी ऑयल के ऊपर। हमारी जो बोतल है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और आगे से मैं आदिवासी ऑयल की बोतल नहीं मंगाने वाला हूँ। कुछ रीज़न है उसके अलावा, मुझे और भी आपसे बातें करनी है, इसके बारे में। ठीक है, ये मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। साथ ही ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये नई चीज़ है। जब मुझे लगने लगेगा कि यार ये इफेक्टिव है तो ही मैं यहाँ पे जो ब्लर है वो हटाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में बात करेंगे। आदिवासी ऑयल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। ये बोतल मेरे 8 महीने चली है। आधी बोतल मंगाई थी, उसके बाद आधी बोतल मैंने दोबारा मंगाई थी। ठीक है, कहने का मतलब पूरी बोतल मंगाई थी, फिर आधी मैंने किसी को दे दी थी। इस तरह से मैंने इस ऑयल को यूज़ किया है। सो यहाँ पे कैसा मेरा रिजल्ट रहा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो आपने देख रखे होंगे, मेरी जो कंडीशन थी वो ये है। तो ये है मेरी कंडीशन, यहाँ यहाँ बीच में और यहाँ पे हमारे बाल कम थे, और यह है अभी की लाइव कंडीशन आपके सामने। बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा, पहले जो मेरी कंडीशन थी वो ऐसी थी। आपको स्क्रीन पे एक फोटो भी दिख रहा होगा, मैंने बाहर एक फोटो लिया। पहले मेरी कंडीशन ये थी, अभी मेरी ये कंडीशन ये है। तो टोटल कंक्लूजन क्या निकला इस ऑयल का, कंक्लूजन ये निकला कि रिजल्ट मुझे मिला है 20% मेरे जो हेयर है वो वापस आए हैं। ये मेरा एरिया यहाँ से बिल्कुल खाली हो गया था, इस यहाँ से, और यहाँ से मेरे बाल बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो चल रहा होगा। तो ये मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, तो मुझे 20% से रिलीफ मिला है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन ये हुआ जैसे ही ये ऑयल ख़त्म हुआ तो यहाँ पे मेरा जो डैंड्रफ था वो वापस आ गया। हेयर फॉल था गर्मियों के टाइम में, मेरा वापस आने लग गया था। यानी कि मेरे जो बाल अभी तो आपको थोड़े कम दिख रहे हैं, मेरे बाल बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आई मेरे बाल वापस से बहुत कम हो गए। तो फाइनली यहाँ पे टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% रिजल्ट मुझे इस आदिवासी ऑयल से मिला है। और ये आदिवासी ऑयल तो अब आगे मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि, और एक और भाई है, पृथ्वीराज नाम है उसका, यार वो मुझे रोज़ाना कमेंट करता है कि भाई आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो भाई कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रहा था, और वैसे भी लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है इन चीज़ों के अंदर, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट अब मेरे जो वीडियो हैं वो आएंगे, रेगुलर बेसिस पे आएंगे, लेकिन इस चैनल के ऊपर नहीं आएंगे। मेरा एक और चैनल है उसके ऊपर वीडियो आएंगे, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का मैं आपको दे दूंगा। तो वो आप चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से मेरा अगले वीक से जो भी वीडियो आएंगे वो मेरे उसी चैनल के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दोनों चीज़ें आखिर मैंने क्यों मंगवाई है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, हालांकि मैं इन चीज़ों के बारे में काफ़ी 6-7 महीने से जानता था, बट मैं आदिवासी ऑयल मंगा चुका था, बट यही चीज़ क्यों। ठीक है, क्योंकि अब आदिवासी वालों को बंद करके अब मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। और ये बिल्कुल पैक है, देखिए ये पूरा पैक है, और ये पूरे 30 डेज़ की मेरी टैबलेट है, 30 टैबलेट है इसके अंदर। इसका नाम है हेयर ब्लेस। तो ये बिल्कुल नेचुरल हर्बल टैबलेट है, दो टैबलेट आती है इसके अंदर। आप चाहे तो सिंगल ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, और चाहे तो 1 महीने की पूरी बोतल भी आती है, आप कैसे भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल ये एक हर्बल टैबलेट है, इसमें कोई केमिकल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि आज से करीब 7-8 महीने पहले की बात है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक लड़का था, उसकी एज करीब 18-19-20 साल की एज होगी। तो मैंने उसको देखा है, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़े हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन वही लड़का मुझे 4-5 महीने बाद वापस मिला, तो उसके जो बाल थे वापस काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो मैंने उससे पूछा भाई आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, तो उसने कहा कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसके किसी फ्रेंड ने उसको दिखाया था डॉक्टर को, और उन्होंने उस डॉक्टर ने, आयुर्वेदिक वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें बताई उनको कि आप ये लगाइए, दिन की एक टेबलेट खाइए कम से कम भी 3 से 6 महीने, और ये जो चीज़ है ये बहुत बेस्ट चीज़ है। जिन लोगों को डैंड्रफ या फिर ऐसी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम है हेयर के अंदर या सर के अंदर, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी बिल्कुल प्योर हर्बल चीज़ है। इसके कुछ डिटेल्स है जो कि मैं आपको यहाँ पे स्किन के ऊपर दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, एन आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन क्लिनिकली प्रूवन रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदिक एक्सपर्ट। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट मैं इसका लिंक आपको नहीं दूंगा। और इसके बाद इसका जो ब्लर है मैं ये तभी हटाऊंगा जब मुझे लगने लगेगा कि ये जो चीज़ है वो इफेक्टिव भी है या नहीं है। ठीक है, इन सब के अलावा दोस्तों इन दोनों चीज़ों का जो पर्टिकुलर वीडियो है अलग अलग, मैं अपने दूसरे चैनल पे जो कि मैंने आपको बताया है ऊपर आई बटन पे इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के तो उस चैनल का लिंक दे दूंगा। इन दोनों का पर्टिकुलर अलग अलग वीडियो आएगा, ताकि मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये जो दोनों चीज़ें हैं अगर है क्या, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अब आपको क्या करना है, नीचे यहाँ देखिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब का बटन होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वहाँ पे एक बेल का बटन होगा, इसे दबा के वहाँ पे ऑल नोटिस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिस आपको सभी पर मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।